Hello students and welcome to Roshi's Education Point. We were doing class 3 EVS worksheet and today we have to start from page number 9 revision portion. First question is, what will happen if you brush past the plant? Kaun se plant ke baare mein baat ho rahi hai? To upar dekho, it is a touch me not plant. टच पी नॉट प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसको अगर अपन टच करते हैं ना तो उसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं. तो अगर आप इस प्लांट को टच करोगे ना तो इसकी जो लीव्स हैं वो लीव्स फोल्ड हो जाएंगी. तो द लीव्स विल फोल्ड. व्हाट इज़ द प्लांट रिस्पॉन्डिंग टू? राइट योर ऑब्जर्वेशन. प्लांट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करता है? तो इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू टच. जैसे ही आप इसको टच करेंगे वैसे ही ये प्लांट रिस्पॉन्ड करता है. तो इसका मतलब है ये टच किसको सॉरी ये रिस्पॉन्ड किसको कर रहा है? टच को. सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टच और सन रेज, नेम देम. अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो या तो टच को करते हैं रिस्पॉन्ड या फिर सन रेज को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो एक तो टच मी नॉट प्लांट है और एक और है आपका सनफ्लावर. सनफ्लावर सन को रिस्पॉन्ड करता है और टच मी नॉट टच को रिस्पॉन्ड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, अखिल पुट अ पॉट ऑफ प्लांट इन द गार्डन. आफ्टर सेवरल वीक्स ही रिमूव्ड द पॉट एंड फाउंड दैट द ग्रास बिलो द पॉट हैड डाइड. व्हाई? अखिल ने क्या करा कि एक पौधे के ऊपर घास के ऊपर जाके एक पॉट रख दिया और कुछ दिनों तक उसको वैसा ही रहने दिया. तो कुछ दिनों बाद जब उसने पॉट हटाया तो देखा कि वहाँ उस एरिया की जो ग्रास थी वो बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी. डेड किस रीज़न की वजह से हुई है? तो बिकॉज देयर वॉज नो सनलाइट. वहाँ तक सूरज की रोशनी ही नहीं पहुँच रही थी, इस वजह से जो वहाँ की घास थी वो डाई हो गई थी. Question number 4 says, Sajesh bought a small fish tank and put some fish in it. He observed that the fish liked to swim close to the surface of the water and they kept opening and closing their mouths. Explain why. अब fishes को एकदम ऊपर ऊपर तैरना क्यों अच्छा लगता है और बार बार वो अपना मुँह क्यों ओपन कर रही थी, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? तो they swam to the surface to get air. हवा के लिए उनको हवा चाहिए होती थी, इस वजह से फिशेस जो होती हैं वो सरफेस तक आती हैं और अपना मुंह खोलकर अपने अंदर हवा ले लेती हैं. Do you think plants also breathe? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? Yes, they breathe. Why do climbers need support? क्लाइंबर्स को सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो स्टेम्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं और जितनी वीक आपकी स्टेम रहेगी उतना ही आपको दूसरे चीज़ का सपोर्ट रखेगा ग्रो करने के लिए. सो दे हैव वीक स्टेम्स. राजन हैड ग्रोन अ पम्पकिन क्रीपर. इट टुक अ लॉट ऑफ स्पेस सो ही ब्रॉट अ सपोर्ट एंड टाइड द क्रीपर टू इट. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन? अब क्रीपर राजेन ने क्या करा कि एक पम्पकिन उगाया और वो एक क्रीपर है. क्रीपर कभी भी ग्रो नहीं करते हैं ऐसे सपोर्ट के साथ ऊपर, लेकिन उसने क्रीपर को सपोर्ट के साथ बांध दिया. क्रीपर ग्रो नहीं करेगा, द क्रीपर विल फॉल डाउन, नीचे गिर जाएगा वो क्रीपर वहाँ से. अ फिश डाइज व्हेन इट इज़ ब्रॉट आउट ऑफ वाटर. व्हाई? अब वो क्या रीज़न होता है कि अगर फिश को हम लोग पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है? तो फिश अपने पानी में ही ब्रीद कर सकती है. अगर आप उसको पानी के बाहर निकालोगे तो वो ब्रीद नहीं कर पाएगी, सांस नहीं ले पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी. सो बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीद इन एयर, वो एयर को ब्रीद नहीं कर पाएगी. Next question, trains and buses move from one place to another, still they are non-living things, why? अब trains and buses एक जगह से दूसरी जगह move तो करते हैं और हमने living things के बारे में ये भी पढ़ा था
कि वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न थोड़ी होता है जिससे हम नॉन लिविंग या लिविंग के लिए देख सकें, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि दे कैन नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स तो ग्रो कर सकती हैं बस, और ये ग्रो नहीं करते हैं, ब्रीद नहीं करते हैं और रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। बस से छोटी बस कभी बनती है क्या, या फिर वो एग्स ले करते हैं क्या, नहीं करते हैं। हेंस वो लिविंग थिंग्स नहीं है। क्या होंगे वो? हेड्स। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 3। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री, व्हाई? जब हमें भूख लगती है तभी हम खाना क्यों खाते हैं? हमें भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारी बॉडी से सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो हमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है। या फिर फूड से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी मिलती है डिजीज़ से। अगर कोई डिजीज़ होने वाला होता है हमको, तो हम खाना खाएंगे तो खाने से एनर्जी आती है और उससे डिजीज़ को फाइट करने की हमें पावर आ जाती है, और एनर्जी से फिर हम लोग काम भी कर सकते हैं, टू डू वर्क ऑल्सो। एनिमल वर्ल्ड नाउ, फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स यूज डैश टू मूव। एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। फिश यूजेस फिन्स एंड टेल टू मूव इन वाटर। वो अपनी पूंछ का और अपनी फिन्स का यूज़ करती है ताकि वो पानी में मूव कर सके। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स। बर्ड्स को उड़ने के लिए विंग्स की ज़रूरत होती है। एंड वी नीड एयर टू ब्रीद। हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड? एनिमल्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? सेम आंसर जो हमने पहले लिखा, एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू ब्रीद। एनिमल्स नीड फूड, FOOD, फूड टू ग्रो, GROW, कॉमा मूव, MOVE, मूव, एंड ANDE, एंड कीप देयर बॉडी बॉडीज फिट एंड हेल्दी। अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए भी एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन एनिमल्स मेक देयर ओन फूड? क्या एनिमल्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं? तो नहीं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इफ़ नॉट, ऑन होम विल दे डिपेंड फॉर फूड? अगर वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो वो किस पर डिपेंड हो जाते हैं फूड के लिए? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। हाउ डू एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड देम? थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। एनिमल्स अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से अपने आसपास के चेंजेस को फील कर सकते हैं। ORGANS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोड्यूसिंग यंग वंस। यंग वंस यानी कि अपने जैसे दिखने वाले, अपने छोटे छोटे बेबीज, यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, बिल्कुल अपने जैसे, ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड योर रिप्रोडक्शन। टेक द करेक्ट आंसर्स नाउ। फिश मूव विद फिन्स। क्रोकोडाइल्स रिप्रोड्यूस बाय, क्रोकोडाइल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय लेइंग एग्स। प्लांट्स मेक या फाइंड देयर फूड, तो प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए स्टोमेटा चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ, हाउ डज अ फिश मूव? अ फिश किस तरीके से मूव कर सकती है? तो अ फिश मूव विद द
with the help of fins, its fins and tails, FINS, fins and tails. Fishes अगर move करती हैं तो अपनी fins और tail की help से करती हैं. How does an animal drink water? Animal किस तरीके से water को drink करता है? With the help of its trunk, अपनी सूंड की help से animal जो है वो पानी को drink कर लेता है. How does a monkey jump on trees? Monkey कैसे jump करेगा एक tree से दूसरे tree? With the help of its tail, अपनी पूंछ की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह jump कर लेगा. Question number 4. How does a dog sense smell? Dogs कैसे sense कर सकते हैं? By using its nose. Dogs अपनी nose का use करते हैं और वो चीज़ों को smell कर लेते हैं. Using its nose. Number 5 is, name two animals with long tails. Monkeys की long tail होती है और rats की भी long tails ही होती है. Now comes the eating habits of animals. अलग अलग animals किस तरीके का खाना खाते हैं? Herbivorous animals. ये कौन से animals होते हैं? ये वो animals होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ plants को खाते हैं. That eat only plants. ये सिर्फ और सिर्फ plants को खाते हैं. अब ऐसे दो examples बताने हैं जो सिर्फ plants को खाएं. तो example में हमारे पास है cow. Cow भी सिर्फ घास खाती है और कुछ नहीं खाती. उसके अलावा goat. Goat is also an example. Two ही examples लिखने थे now. Carnivorous animals. ये ऐसे animals होते हैं that eat only flesh. और flesh किसका? दूसरे animals का. तो ये होते हैं आपके carnivores. अगर example की बात करें तो lion, tiger, ये दोनों आपके examples बन जाएंगे. Omnivores ऐसे animals को बोला जाते हैं जो दोनों को कंज्यूम करते हैं. प्लांट्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं और फ्लैश को भी कंज्यूम कर लेते हैं. अब ऐसे एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में आता है मैन, हम लोग सब खा लेते हैं, और हैन भी सब खा लेती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट होम्स ऑफ एनिमल्स. मैच द फॉलोइंग हमें यहाँ पे करना है. मैंने इसे थोड़ा जूम आउट कर लिया ताकि सारे ऑप्शंस दिखें. लिव अमंग बुशेस. बुशेस के अंदर कौन रहता है? तो यस, लायन लिव्स अंडर बुशेस. लिव्स इन वेब. वेब बना के कौन रहेगा? तो वेब बना के एक स्पाइडर रहता है. शेल्टर मेड बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस जो घर बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हाउस. लिव्स इन बरो. बरो में रहने वाला होता है हमारा रैबिट. बिल्ड्स नेस्ट ऑन ग्राउंड. ग्राउंड पे अपना नेस्ट बनाती है टेल अ बर्ड. पार्ट्रिज बनाती है अपना हाउस. लिव्स इन आंट हिल्स. आंट हिल्स में कौन रहेगा? तो आंट हिल्स में रहती हैं आंट्स. चींटियों के घर में चींटी रहती है. टेक शेल्टर अमंग टॉल ग्रासेस. टॉल ग्रासेस के बीच में शेल्टर लेते हैं ज़ीब्रा. बिल्ड्स नेस्ट विद ग्रेट स्किल्स. अब ये अपने नेस्ट को बहुत ही स्किलफुली तरीके से बनाती हैं. दीज आर योर टेलर बर्ड्स. लिव्स इन स्टेबल. स्टेबल में हमारे हॉर्सेस रहते हैं. एंड द लास्ट इज लिव्स इन कूप. दैट इज हैन लिव्स इन कूप. मेक अ लिस्ट ऑफ मटीरियल्स यूज्ड बाय बर्ड्स टू मेक नेस्ट. अब नेस्ट बनाने के लिए एक बर्ड को सबसे पहले तो लीव्स की ज़रूरत होती है, पत्तियों की. उसके बाद इसको ट्विग्स की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे छोटे टहनियों की. फिर थोड़ी बहुत कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सॉफ्टनेस आ जाएगी. और फिर फेदर्स, पंखों की ज़रूरत पड़ेगी. एंड ग्रास, घास की ज़रूरत पड़ेगी.
इन सभी चीज़ों से बर्ड्स अपना घर बना सकती हैं. अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट्स क्लासिफाई द एनिमल्स. अब इनमें से कौन कौन से एनिमल्स हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं. काओ एक हर्बीवोरस एनिमल है. उसके बाद डियर एक हर्बीवोरस एनिमल है. हॉर्स एंड लास्ट वन इज़ योर ज़ेब्रा. ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कार्निवोरस. लायन है, टाइगर है, देन योर चीता. चीता भी आपका कार्निवोरस हो जाता है. ओमनीवोरस. ओमनीवोरस जो कि दोनों हैं. तो ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके पास बहुत सारे. डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग भी सब खाते हैं. बियर और क्रो. व्हाट आर दीज, गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. लैंड के ऊपर रहने वाले एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल होगा काओ और गोट. दोनों ही ऐसे एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर रहते हैं. नेक्स्ट इज़ योर एक्वेटिक एनिमल्स. दे लिव इन वाटर. पानी के अंदर रहते हैं ये. दे लिव इन वाटर. अब ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगी फिश आपकी और फिर आ जाएगी वेल. नेक्स्ट थर्ड इज़ योर एरियल एनिमल्स. दे लिव इन एयर. हवा में रहते हैं ये एनिमल्स. तो दे कैन फ्लाई. एक्चुअली आप ऐसे लिख लो, दे कैन फ्लाई. एग्जाम्पल्स की बात करें तो पिजन है. कितने भी बर्ड्स के नाम आप यहाँ लिख लो, सारे इधर आ जाएंगे. स्पैरो हैं, SPARROW. सम एनिमल्स लिक, सक, गनाउ और स्वैलो देयर फूड. मैच द एनिमल्स विद द वे दे ईट फूड. सबसे पहले लिक कौन कौन से एनिमल्स करेंगे. कैट लिक करती है मिल्क को एंड डॉग लिक करता है मिल्क को. सक, सक कौन कौन करता है, तो मस्किटो और बटरफ्लाई दोनों ही सक करते हैं. ग्नॉ करती हैं आपकी स्क्विरल एंड ग्नॉ करते हैं आपके रैबिट. स्वैलो, स्वैलो करते हैं आपका स्नेक. स्नेक फूड को स्वैलो करता है. फ्रॉग भी स्वैलो करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. If you have any doubt, kindly write me in the comment section.